ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सब्जी का पकौड़ा तैयार हो रहा है और ये बस फ्राई होने वाला ही है। सब्जी में हम बहुत ज़्यादा पका के नहीं डालते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पलट पलट के इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके पकौड़े, चौलाई के पकौड़े बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे रही हूँ, वहां देख के आप पकौड़े बना लीजिए। और ये मेरे सब्जी के लिए एकदम रेडी हो गया है। मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, ये देखिए। और अब मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैं सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मैं तेल डालूंगी। ये गया तेल, इतना मैंने तेल डाल दिया है और इसको थोड़ा हम हीट होने देंगे। तड़के में मैंने यूज किया है 2 तेज पत्ता, 1 इंच वो टुकड़ा है इलायची का, इसमें मैंने 2 तेज पत्ता यूज किया है, दालचीनी का 1 इंच टुकड़ा, 1 मैंने लाल मिर्च लिया है और ये मैंने सरसों का दाना ले लिया है। आज अदरक का पेस्ट तैयार किया था इसलिए। ये देखिए, जब तक हमारा तड़का जो है ये ब्राउन हो रहा है, तब तक हम इसको, ये जो हमने टमाटर रखे थे, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, हमारा टमाटर का पेस्ट एकदम रेडी है और इसी पेस्ट में मैं डालूंगी मसाले। तो मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब मैंने ये गरम मसाला लिया और मैंने ये 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया। ये देखिए, जो मैंने टमाटर का पेस्ट और मसाले हैं इसको अभी इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब मैं इसमें, ये जो मैंने पकौड़े बनाए थे, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। ये पानी हेल्दी है क्योंकि इसमें जो बेसन है उससे हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो ये मसाले मैं इसमें साफ करके, ये देखिए मिक्सर में मैंने डाल दिए और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, आप लोगों को अपनी क्वांटिटी में बनाना है, जितने लोगों को खाना है। मैं ये अपनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए आप पानी अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो जब हमारे पकौड़े इसमें पड़ेंगे तो ये ग्रेवी हमारी बात होगी। तो ये अब मेरा एकदम रेडी है। इसमें मैं 1-2 बार आने तक वेट करूँगी, इसके बाद में पकौड़े डालूंगी इसमें। तो ये मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाली हूँ। नमक हमने पकौड़े में भी डाले हैं, इसलिए हम ग्रेवी का ही नमक इसमें डालेंगे। पकौड़े का नमक और नमक है। अब हम इसको गैस पर, ये देखिए, मैं इसमें 4 लोगों का खाना बना रही हूँ, तो इसमें 2 बाल आने तक हम वेट करेंगे और इसको हम ढकेंगे। जी, हमारा ग्रेवी उबलने लगा है। अब इसमें मैं पकौड़े डाल दूंगी। ये देखिए, ये पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए। पकौड़ों को मैं थोड़ा पकने दूंगी। अब मैं इसको ढक दूंगी, ये पकेगा 5 मिनट तक। हमें इसे और पकाना है। ये देखिए, हमारा ये जो है सब्जी एकदम रेडी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये कसूरी मेथी है, थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे। इसको इसमें मैं ऐसे इस तरह से डालूंगी, तो इसको मिलाएंगे ताकि पूरी सब्जी में भून जाए। मैं सब्जी को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा बना है। ये देखिए, पकौड़े इसके बहुत ही टेस्टी बना है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने घर की मलाई निकाल के ये मैंने क्रीम बनाया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से क्रीम मलाई देखिए इस तरह से फेंक दिया है। मार्केट की मलाई की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें इस तरह से दूंगी और ये देखिए, हमारी एकदम ये जो है चौलाई की सब्जी बनके रेडी है।
तो ये चावला की सब्जी आपको कैसी दिख रही है, इतनी टेस्टी ये बनी है कि इसको देख के आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा। तो दोस्तों आप अपने घर पे इसे जरूर बनाइए और खुद खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल प्रज्ञा की रसोई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।